Hello and Assalamualaikum listeners and viewers. This is me, your host Fahad, Younis, और आप देख रहे हैं मेरी कहानी. और जनाब मेरी कहानी शो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वक्तन-फवक्तन पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी जिंदगी की कहानियां सुनते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं. ये वो लोग होते हैं जो माशाल्लाह अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं या उनका किरदार ऐसा है कि वो और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस साबित होते हैं या वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिससे और बहुत सारे लोग सीख सकते हैं. मतलब ये है कि उनकी जिंदगियां जो है वो उनका जो सफर है और खासतौर पर उनकी वो स्ट्रगल्स, उनकी वो कोशिशें, काविशें जो वो दूसरों के लिए करते हैं और खासतौर पर जब पाकिस्तानी नौजवानों की बात होती है और पाकिस्तानी यंग जनरेशन की बात होती है तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे कमाल लोग हैं जो छुपे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपने शो मेरी कहानी में लेके आएं, उनसे बात करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें और वो किस तरह से मुआशरे में सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो चीज़ें जो मुआशरा शायद जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो ऐसे हालात में से जब कुछ ऐसे लोग गुजर रहे होते हैं तो वो किस तरह से इस मुआशरे में जो है वो रह रहे हैं या किस तरह से इस मुआशरे को फेस करते हुए माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं. इस तरह के लोगों में से एक ख़ास नाम जो है वो माशाल्लाह तकवा अहमद का भी है जो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं गुजरांवाला सिटी पाकिस्तान से. तकवा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लाइव स्टूडियो में ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ तकवा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. तो बहुत सारे लोग इस वक्त आपको मेरी कहानी शो में सुन रहे हैं या देख भी रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ऑफकोर्स हु इज तकवा, तकवा कौन है और तकवा माशाल्लाह कहाँ से बिलोंग करती है, तकवा की जिंदगी कैसी है, जरा बताइए अपने बारे में तकवा. जी मैं एक, मेरा नाम तकवा अहमद है और मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ. मुझे स्पाइना बायफिडा का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी लोअर बॉडी जो है पैरालाइज. तो मैं पीस प्रमोटर हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी, और मैं स्पेशल पर्सन के पेरेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने ऊपर बोझ ना समझें, उनको सही तालीम और तरबियत दें, वो आपका और अपने इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे. ऑलराइट, सो तकवा जरा ये बताइएगा कि तकवा किस क्लास में हैं और तकवा की घर का जो एनवायरनमेंट है और खासतौर पे आपके अपने पेरेंट्स के बारे में भी जरा बताइए, किस तरह का माहौल आपको घर में मिला है और स्कूलिंग आपकी कैसी है? जी मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मेरी बहुत मदद की है. अच्छा माशाल्लाह, और तकवा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह, आपने बहुत सी जगहों पर बोला है, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे जो है वो टेलीविजन नेटवर्क्स ने कवरेज भी दी है, तो तकवा जरा इस हवाले से बताइएगा कि जिंदगी का मिशन क्या है आपका? मेरा मेन मकसद जो है लोगों में मोटिवेशन और जो है पीस प्रमोट करना है. मैं अपनी बातों से और अपनी टॉक से जो है लोगों में मोटिवेशन और मैं जज्बा पैदा करती हूँ कि वो जो है पीस को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ हमारी हेल्प करें, ताकि ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया का ये प्रॉब्लम है कि हर जगह पे फ्रस्ट्रेशन है, लोग आपस में झगड़ते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हर तरफ से लोग जो है मुझे ज्वाइन करें और मेरे साथ पीस की इस मुहिम में मेरी मदद. एंड आई जस्ट वांट टू से यू दैट माय विश एंड डिजायर इज टू हैव लव एंड पीस अराउंड मी. वी आर लिविंग इन वेरी डिस्टर्ब्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी. पीपल हैव नो लव, नो रिस्पेक्ट एंड एनी पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर ईच अदर. इफ इट कंटिन्यूज द ह्यूमन वैल्यूज विल डाई डाउन and we will lose our identity as human beings. It is necessary that we promote social values like tolerance and forgiveness. We need to remember that like every other virtue, peace also begins with ourselves. As someone says, first keep peace with yourselves, then you can also bring peace to others. And Mother Teresa says, peace begins with a smile. So keep smiling. God bless us all. Thank you.
थैंक यू मैं तकवा, बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के लिए और बहुत शुक्रिया हमें अपने काम और मिशन के बारे में बताने के लिए। तकवा, हम आपके बारे में ये भी जानेंगे कि किस तरह से लोग आपको फॉलो करें, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट करें जो लोग आपके इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें, या जो लोग यू नो आपको इस आपके इस मिशन में अपना जो है वो हिस्सा मिलाना चाहें, तो हम जरूर चाहेंगे। ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। व्यूअर्स, आप भी देखते रहिए मेरी कहानी शो, मैं हूं फहद यूनिस। बहुत कुछ है इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जनाब, हम वापस आ चुके हैं, मेरी कहानी शो है और आप देख रहे हैं मेरी कहानी शो में फहद यूनिस के साथ। आज तकवा अहमद बड़ी ही खास हमारी गेस्ट है, माशाल्लाह पीस प्रमोटर हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत यंग है माशाल्लाह, और तकवा इतनी छोटी एज में इतना कुछ माशाल्लाह कर रहे हैं। बाय द वे, आज तकवा की बर्थडे भी है। तकवा, तो हम आपको हैप्पी बर्थडे भी कहना चाहते हैं, और आपके लिए हमने एक बर्थडे गिफ्ट भी बनाया है जो कि हम आपको इस इंटरव्यू के बाद सेंड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, और हमारी बहुत सारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके सलूक का और आपके दुआओं का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा तकवा, तो इससे पहले हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आपने बताया भी सही, तो लोग जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, जो आपके काम को देखना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो कैसे आपको ऑनलाइन ढूंढे? वो मुझे मेरी फेसबुक आईडी पे ढूंढे। तो फेसबुक आईडी मेरी फेसबुक अहमद के नाम से है। सही तकवा, ये भी बताइएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप उन्हें कोई खास मैसेज, कोई खास पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स को और यंग किड्स को? जी मैं यही कहना चाहूंगी, वी आर नॉट गिवन अ गुड और अ बैड लाइफ, वी आर गिवन अ लाइफ, इट अप टू अस टू मेक इट गुड और बैड, सो इट्स बेटर टू से दैट व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। और तकवा, हम जो है वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप हमारे शो में आए। अब हमारे शो मेरी कहानी के बल से कुछ कहना चाहें, हमें कोई मशवरा देना चाहें? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी कि आप हर बंदे की जो एफर्ट है उसको आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर ये मोरल नहीं है कि वो ऐसा कुछ करें, आप उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट छुपा है, तो आप उन लोगों को दिखाते हैं जिनके अंदर ये मोरल नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई मोटी हो तो हम उसे कहते हैं तुम मोटी हो, फलानी हो, फलानी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसमें ये डर डाल देते हैं या बात डाल देते हैं कि तुम हाँ ये हो, बट आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप उनको बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसी हो तो क्या हुआ, तुम्हें और भी तो कोई खूबियां हैं ना, अगर मुझसे अल्लाह मियां ने एक चीज छीनी है तो उसके बदले अल्लाह मियां ने मुझे हजारों चीजें दी हैं, तो इस बात पे मैं क्या बैठ जाऊँ कि अल्लाह मियां ने मुझे टांगे नहीं दी, अगर अल्लाह मियां ने मुझे चलने की सलाहियत नहीं दी तो इतना अकलमंद, इतनी अकल और इतनी समझ दी है कि मैं मतलब आज अल्लाह मियां ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, तो मैं यही कहना चाहूंगी You are doing a very, very great job. थैंक यू वेरी मच तकवा, आपके अल्फाज हमारे लिए बाय से एजाज हैं, और आप जैसे ही नौजवान स्पेशली जो है वो हमारे ऐसे जो बच्चे हैं, बड़ी खुशी होती है उन्हें अपने सामने पा करके और उनकी जो है वो एफर्ट्स को देख करके, तो हम सराहते हैं और हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपके पेरेंट्स को भी कि जो माशाल्लाह जिन्होंने इतनी अच्छी आपकी तरबियत की, जो इतना आपका साथ निभा रहे हैं, और आप एक मोटिवेशन है तमाम जो है वो कौम के लिए। तो तकवा बहुत शुक्रिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरी कहानी फौरन से आप हमारे शो में आई। ये तो एक जनरल शो था, और शोज भी अपने इन फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपसे इन टच रहेंगे। तकवा, जाते जाते कुछ मजीद कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें एट द एंड ऑफ दिस शो?
जी बिल्कुल जी, मैं अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना चाहती हूँ। जी प्लीज बिस्मिल्लाह। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise it all faithful, what is and what was. Take hold of your iman, don't get into shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Akbar, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالي كنان ورازي كنان وهو على كل شيء قدير. He is the creator, he is the sustainer, and he is the one who is power over all. Give thanks to Allah. Thank you. वाह माशाल्लाह तकवा, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो कलाम पढ़ा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने अपने बारे में बताया, आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, आपने काम के बारे में बताया, आपने इतना अच्छा प्यारा मैसेज दिया, आपने इतना अच्छा कलाम में पाक सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आपसे रबते में रहेंगे और हम आपकी जो तवार मतलब आपने मुझे आज मौका दिया अपने शो में बोलने का, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया तकवा, खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप भी अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, आपने बातें सुनी तकवा अहमद की, आप हमारे साथ गुजरांवाला सिटी से लाइव थी और माशाल्लाह आप एक पीस प्रमोटर हैं, आप एक यंग किड हैं और साथ साथ आप जो है वो स्कूलिंग भी कर रहे हैं अपनी, माशाल्लाह आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया और आप एक ऐसा असासा है पाकिस्तान का कि जिन पर हमें फ़ख्र है और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे जो नौजवान हमारी नस्ल के नुमाइंदे हैं हम उन्हें अपने शो में इन्वाइट करें और उनसे सीखें, उनकी ज़िंदगी के सफ़र की बात सुनें और उनसे सीख के आगे लोगों को जो है वो इंस्पायर कर पाएँ। तो ये आज का शो था मेरी कहानी और बहुत सारी स्टोरीज आप मेरी कहानी .org और साथ साथ facebook.com/मेरी कहानी पर भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट मेरी कहानी के एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इजाजत अपना रखिए, बहुत सा ख्याल, अल्लाह।